हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ ये एक अलग बात है, बट मैं आपको सिर्फ 5 टिप्स, 2 से 3 मिनट में मुझे खत्म करनी है, सिर्फ 5 टिप्स आपके बारे में, आपके एग्जाम्स के लिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। नव आरंभ इटसेल्फ मींस दैट नया आरंभ, नई सोच, नया आगाज। सबसे पहली चीज दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। देखिए आप ये बात मानिए चाहे नहीं मानिए, अगर जिस दिन मैंने लास्ट अपना एग्जाम दिया था, चाहे ग्रुप 1 का हो, चाहे ग्रुप 2 का हो, चाहे बोथ ग्रुप्स का हो, आपके दिल को पता था आप पास हो या फेल। इज इट और नॉट? सारे गुना याद है मुझे, सारे गुना याद है मुझे। एक तो मोहब्बत कर ली, एक तुमसे कर ली, और बेपनाह कर ली। तो ये जो मोहब्बत है, ये डिग्री से आप करें, बेपनाह करें, ये डिग्री आपके लिए। वो कहते हैं सर का एक शाहरुख खान का सर एक डायलॉग बता रहे थे, वो बाहें फैलाए आपने इंतजार कर रही है, आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको गले लगाएगी और आपका वेट कर रही है। क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, मैं बच्चों कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ बच्चे बड़े नेगेटिव रहते हैं। प्लीज़ आपको कोई भी मटेरियल पढ़ना है, कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ना है तो ICI की वेबसाइट से पढ़ें। आपको कोई भी न्यूज़ समझनी है, किसी मैनेजिंग कमेटी मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर से आप बात करें, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ जो हमारे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करें, ना कि यूट्यूब पे किसी ने अपना वीडियो बना दिया सनसनीखेज कि क्या होगा। Well begun is half done. Your institute, the Institute of Chartered Accountants of India, was set up by an Act of Parliament way back on 1st July 1949. When the most important document to the democracy, the Constitution, was not adopted. Ab is baat se bali baatein waqif hai ki Hindustan ka Samvidhan 26 January 1950 ko parit hua tha. The pertinent question that arises is what prompted the Constituent Assembly to set up an Institute of Chartered Accountants of India when its own democratic setup was not in place? The answer is very candid.
very simple, very forthcoming. They were looking for a disciplined band of soldiers to steer this country out of confusion. Dusra point, कमजोर आदमी जिंदगी में कुछ नहीं करता, कमजोर से दूर रहे, उसे दरकिनार करें। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, इसे स्वामी जी, you have gone through Vedas and Upanishads n numbers of times, can you tell me in a line the gist of Vedas and Upanishads? स्वामी जी smiled and said, my boy, in a line, I shall not only tell you the gist of Vedas and Upanishads, I will tell you the entire concept on which India thrives. The words uttered by Swami are written in golden words in Indian history. The words are, strength is life and weakness is death. आप अगर आजादी के महोत्सव में कुछ करना चाहते हैं तो ताकत आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा संबल है। कमजोर आदमी जिंदगी में सिर्फ त्याग के पात्र होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कुछ बढ़िया काम नहीं कर पाते। दूसरी सीख, स्ट्रॉन्ग बने। स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं कि कल से जाके आप आयरन पंप करें जिम में, यहाँ पर पीछे खड़ा है कैसे, कितनी थोड़ी सी शक्ल बना के खड़ा। हाँ भाई, टाइम तो करवा सारी बात नहीं समझ रहा। आप कल मेरे ऑफिस आ जाएं, कल मिलते हैं फिर। वेलकम। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, आहे घबराए, आहे घबराए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृष्णा। इनकम टैक्स का काम हो गया? जी सर, बस होने ही वाला है। आई नीड एन अपडेट। बैठिए मैडम प्लीज। अनिता, यू कैन कॉल मी अनुभव। नहीं पकौड़े नहीं खाते। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आया है? मैंने स्टडी किया है इनकम टैक्स नोटिस। नोटिस के हिसाब से आपने पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं डाली। इनकम टैक्स रिटर्न मुझे क्यों फाइल करनी है? हैप्पी सीए डे, आप सभी का फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में स्वागत है। जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी अर्चना, शिक्षक के हो गए हैं और ये कैंप किस बात का है? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय शिक्षा, पैसों की दुनिया को बेहतर समझना, अपने हुनर से आय कमाना, खर्चे कहाँ हो रहे हैं इसका हिसाब लगाना, बजट से बचत और बचत से निवेश को समझना, यही है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता। ये हो गए हैं? जी। अच्छा, आज समझ आया मुझे कि ये हो गए हैं। थैंक यू जी। आई
research scholar from Milada House. So why you think what could be the rate of literacy, financial literacy in our country? That's a very good question. क्या आप जानते हैं भारत में वित्तीय साक्षरता की दर क्या है? सेबी के अनुसार भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है